टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला विशाखापट्टनम के डॉक्टर वाई एस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया और इस मुकाबले को भारतीय टीम ने बहुत बड़े अंतर से अपने नाम कर लिया है। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट मुकाबले में 106 रनों के बड़े अंतर से हराया। टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला गंवाने के बाद टीम इंडिया सीरीज में 0-1 से पिछड़ गई थी, लेकिन सीरीज के दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने गजब का बाउंस बैक किया और सीरीज को 1-1 से बराबरी पर लाकर रख दिया है। इस मुकाबले में क्या कुछ घटा है, पूरे मैच का हाईलाइट आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दरअसल टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले में टॉस भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के नाम रहा था। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 396 रन बनाए। पहली पारी में भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा यशस्वी जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी की, उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज एक अच्छी पारी खेलने में कामयाब नहीं हो पाए। लगभग सभी बल्लेबाजों को स्टार्ट मिला, लेकिन उसके बावजूद वो उस स्टार्ट को भुनाने में कामयाब नहीं हो पाए। यशस्वी जायसवाल ने पहली पारी में 209 रन बनाए, जिसकी वजह से टीम इंडिया 396 रन बना पाई। इंग्लैंड की तरफ से अगर पहली पारी में गेंदबाजों की बात करें तो जेम्स एंडरसन, शोएब बशीर और रेहान अहमद ने 3-3 सफलता प्राप्त की, तो वहीं टॉम हार्टली को मिली 1 सफलता। इंग्लैंड ने पहली पारी में 253 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से जैक क्रॉली ने शानदार बल्लेबाजी की, सबसे ज़्यादा उन्होंने बनाए 76 रन 78 गेंदों का सामना करते हुए, लेकिन उनके अलावा कोई भी बल्लेबाज कोई खास कमाल नहीं कर पाए। कप्तान बेन स्टोक्स जरूर अर्धशतक के करीब पहुंचे थे, लेकिन वो 47 रन पर आउट हुए। पहली पारी में भारत के लिए सबसे ज़्यादा जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेट हासिल किए, उनके अलावा कुलदीप यादव को 1 विकेट, तो वहीं अक्षर पटेल के नाम 1 सफलता। भारतीय टीम ने दूसरी पारी में 255 रन बनाए और इस 255 रनों की बदौलत इंग्लैंड को जीत के लिए 399 रनों का एक विशाल टोटल दिया। दूसरी पारी में भारत के लिए शुभमन गिल ने 104 रनों की एक इम्पॉर्टेंट पारी खेली, उनके अलावा अक्षर पटेल 45 रन का योगदान टीम के इस 255 रनों में उन्होंने दिया। इंग्लिश गेंदबाजों की बात करें दूसरी पारी में तो जेम्स एंडरसन ने 2 सफलता प्राप्त की, टॉम हार्टली को 4, तो वहीं रेहान अहमद ने 3 विकेट प्राप्त किए और शोएब बशीर को मिली 1 सफलता। इंग्लैंड दूसरी पारी में 292 रन ही बना पाई और 106 रनों के बड़े अंतर से इंग्लैंड ने इस मुकाबले को गंवा दिया है। इंग्लैंड के लिए दूसरी पारी में जैक क्रॉली ने एक बार फिर 70 से ज़्यादा रनों का योगदान दिया, लेकिन वो टीम को जीत नहीं दिला पाए। भारत के लिए दूसरी पारी में सबसे ज़्यादा अश्विन और जसप्रीत बुमराह ने 3-3 सफलता प्राप्त की, तो वहीं मुकेश कुमार, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को 1-1 सफलता प्राप्त हुई है। तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला खत्म हो चुका है। भारतीय टीम ने दूसरे मुकाबले को 106 रनों से जीत लिया है। अब सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में। 15 फरवरी से 19 फरवरी के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले को जीतकर इंग्लैंड जहां एक बार फिर सीरीज में 2-1 से बढ़त बनाना चाहेगी, तो वहीं भारतीय टीम की कोशिश होगी कि जो सीरीज में 1-1 की बराबरी भारतीय टीम ने दूसरे मुकाबले में पाई है उसे बरकरार रखे और तीसरा मुकाबला जीतकर सीरीज में 2-1 से बराबरी प्राप्त करे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर पर अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा तीसरा मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी।